चलिए आज मैं आपको ना टाटा नेक्सन गाड़ी है ये। वैसे तो आप किसी भी गाड़ी का काम कर सकते हो सीट बेल्ट का। चलो आज मैं आपको टाटा नेक्सन का दिखाता हूँ कि भाई अगर मान लो एयर बैग आपके क्रैश हो चुके हैं गाड़ी के, तो देखिए ये फुल टाइट हो चुकी है बेल्ट, है ना, तो इसको कैसे रिपेयर करना है। बहुत ही आसान काम है, हर एक गाड़ी का अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन जो लॉजिकली जो बेसिकली जो जो इसकी नींव होती है वो तो कॉमन ही रहेगी ना, कि वो ब्लास्ट होती है, गोली वहाँ पे जाके अटक जाती है। चलो मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाता हूँ, एक एक करके हम इसको पहले खोलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, इसको निकाल के फिर बाकी की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। खोलने के लिए भी इसे बस एक ये पहले आप पापड़ उतारोगे इसका, उसके बाद ये ऊपर का स्क्रू वाला बोल्ट खोलना है आपको, और नीचे यहाँ पे 14 नंबर लगा होगा, ठीक है बस। और इसके बाद ये अपने आप बाहर आ जाएगी, और इसका एक कनेक्शन निकालना है जो इसमें ब्लास्टर होता है लगा हुआ है। इसको बाईपास करने के लिए हम इसमें रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं जो कि 2.2 ओम की रहती है, क्योंकि इसके बिना तो दोबारा से आपके एयरबैग एक्टिवेट नहीं हो सकते। अगर ये ब्लास्टर डालते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ जाती है, और इसीलिए हम इसको बेल्ट को जैसे ओरिजिनल कंबो काम करेगी वैसे ही आपको काम करने इसमें लग जाएगी। तो चलिए बाकी मैं आपको खोल के बताता हूँ। तो ये सीट बेल्ट हमने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले आपको करना क्या है, जहाँ भी इसका ब्लास्टर लगा होता है इसको फॉलो करें, क्योंकि जो इसके ब्लास्टर के अंदर लोहे की जैसे ये है ना, ये बॉल्स बनी होती है, ये बॉल्स आपकी बीच में अटक जाती है, उसके बाद ये बेल्ट को पीछे की तरफ से खींच लेता है काफ़ी प्रेशर के साथ, ये ब्लास्ट होता है इसके लिए। अभी ये इसके अंदर एंटर हो रहा है ना, इसके अंदर एंटर होने की वजह ये देखिए, इसमें ऑटोलिप कंपनी का लगा हुआ है जी, इसमें ये जो बारीक बॉल्स होती है ना ये इसमें रहेंगी। एक बेल्ट मैंने खोल के पहले रिपेयर भी कर ली, देखिए बीच में से निकल रहा है अभी भी। ये याद रखिए, मैं आपको टाटा का जेस्ट बोल्ट या गोर नेक्सन गाड़ियों का ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, कईयों में ये दोनों साइड पे ये भी कवर खोल के काम करना पड़ता है। इसमें आपको कवर तो ये भी खोलेंगे और बताऊँगा कि कैसे करना है। अभी इसको निकालने के लिए हम ये वाली जो रिफ्ट लगी हुई है ना, इसको हम पहले ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद ये निकल आएगा और इसमें से गोली निकल आएगी। देखिए इसको मैंने पूरी तरह से ग्राइंड कर दिया है। अभी इसमें एक पेचकस डालें और ये ऊपर में निकल आएगा। अभी बस जस्ट इसको बाहर ही निकालना है। देखिए इसमें से भी गोली निकली है, और देखिए वो देखो, अभी आपको इसको निकालना है बस जस्ट। एक अभी दूसरा प्रोसीजर क्या है, देखिए यहाँ से लॉक लगे होंगे, ये आपको यहाँ से लॉक हटा के इसको निकालना है बस, निकाल के आपको बाकी अंदर में बता दूँ। देखिए ये निकल गया, इसमें तो बहुत ही आसान काम है, जस्ट आपको बस ये वाली गोली निकालनी है। ये देखिए ये भी इसको रोक के रखता है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, अभी आपकी बेल्ट भी चलने लगी है। देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं है, वो हमने दो बार एक यहाँ से गोली निकाली थी और एक जो ब्लास्टर में थे वो वाली निकाली है ना। अभी देखिए ये नॉर्मल भी चल रही है बेल्ट, और अगर खींचोगे तो इसको ये लॉक भी हो गया। देखिए ये लॉक भी हो रही है खींचने पे, नॉर्मली चल रही है,
बस इतना सा प्रोसीजर था ये, और बाकी इसमें मैं आपको फिट करके एक बार थोड़ी सी वीडियो भी दिखाता हूँ। देखिए गोली अभी तक निकल रही है, जितनी भी इसमें गोली होगी ना ये आपको सारी निकालनी पड़ेगी। जी देखिए अभी ये हमने इंस्टॉल कर दिए और नॉर्मली वर्क कर रही है ये। बस इतना सा प्रोसीजर था। बेल्ट के लिए रिपेयरिंग के चार्जेस भी बहुत लेते हैं कुछ बंदे, बाकी बहुत आसान काम है। सभी मेरे कार वाले मैकेनिक भाई जो भी क्रैश डाटा क्लियर करते हैं या क्रैश डाटा पे काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।